अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीम। लंबे समय से जमे और गंभीर आरोपों से घिरे मवाना तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो को जिलाधिकारी के बालाजी ने बीती रात निलंबित कर दिया। यह निलंबन SDM सदर की जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाने पर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी तक भ्रष्टाचार के मामले पहुंचने के बाद जिलाधिकारी ने यह जांच SDM सदर को सौंपी थी। मवाना तहसील में अफसरों व बाबुओं का कोकस जिस तरह से काम कर रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि उसने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। खादर की बेशकीमती जमीन कब किसके नाम कर दी जाए कुछ पता नहीं। पूर्व विधायक गोपाल काली व नामित पार्षद अशोक चौधरी मवाना तहसील के भ्रष्टाचार के मामले लगातार उठाते रहे हैं। यहां बाबुओं द्वारा अफसरों के नाम पर खुली रिश्वत मांगने के वीडियो भी कई बार वायरल हो चुके हैं। बावजूद इसके सभी लोग मलाईदार कुर्सियों पर जमे पड़े हैं। लंबे अंतराल बाद यह पहली कार्रवाई हुई है। इस बारे में लगातार शिकायत कर रहे पालिका के नामित सदस्य अशोक चौधरी ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। ये मामला पूरा सबसे पहले तो मैं अपने DM साहब को, जिन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। SDM साहब सदर मेरठ, उनको भी ईमानदारी से उन्होंने जांच की है, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उसके बाद मामला ये है, मवाना तहसील में जो है वहाँ भ्रष्टाचारी का बोलबाला काफी दिनों से है। ये जो कल सस्पेंड किए गए हैं विजेंद्र जी रजिस्ट्रार कानूगो, ये पिछले 8-10 साल से मवाना में जमे हुए थे और भ्रष्टाचारी का आतंक इन्होंने मचाया हुआ था और ये सस्पेंड हो चुके। लेकिन इनमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो कराने वाला है वो है अजय उपाध्याय तहसीलदार मवाना। उनके खिलाफ भी जांच चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं अपने DM साहब से और अपने प्रशासन से और अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि ईमानदारी का परिचय सबने दिया है और ईमानदारी से जांच होगी। और अजय उपाध्याय सबसे भ्रष्टाचारी तहसीलदार है, ये इन्हीं के इशारे पर ये रजिस्ट्रार कानूगो हों या वहां के बाबू हों वो सब भ्रष्टाचार करते थे। इन्होंने खादर की, हमारे हस्तनापुर क्षेत्र में जो खादर पड़ता है, गंगा खादर, वहां की हजारों बीघा जमीन जो इन्होंने पैसे लेकर भ्रष्टाचार करते हुए कुछ अपने रिश्तेदारों के नाम दर्ज कराई। अगर करते हैं तो आपको वो बताया जो होने वाले हैं, जो भूमिया बंधक नहीं है, बिल्कुल सब ओके की रिपोर्ट है। 3 साल लेते हैं भैया, देखो मेरी बात सुनो, काम तो सारे SS कई बन गया जा रही है सबके भैया, ऐसा कोई आज के टाइम में किसान नहीं। रिवर्ट हो अगर आ रही है, अगर जो गई भी है पहले। पूर्व विधायक गोपाल काली का कहना है कि 8 साल से काबिज कानून को विजेंद्र सिंह ने भू माफियाओं से मिलकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। कानून को विजेंद्र सिंह की घोषित व बेनामी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।